बड़ा ही आनंद आ रहा है साहब। टाइम इतनो ही है, टाइम पास है लाख या कमार, जो कचू कहूं शॉर्ट एंड स्वीट में ही कह दऊं साहब। है जी, देखो कवि लिख रहा हूं कवित्व के माध्यम से। पेट कोई पायो है, हर युग में तो जन्म दियो तेने बिरथाई दोष लगायो है, तेने पानी तक ना है। अब देखो तुम कहे तो साहब साखी ते गाऊं, तुम कहे तो एक डेकाडोन को सो इंजेक्शन लगाऊं, हैं? हाँ तुम यही मेरा आज ये टॉप लगे भाई लिए। पिछली बार आपने सुना था, एक तो पूंछ वाला है, दूसरा मूंछ वाला है। फिर आए लियो टाइम भगवानी कृपा थे। देखो 2004 में एक फिल्म आई थी, मुझसे शादी करोगी, वहां में एक धुन आई। पहले धुन की झलक सुनो, फिर मेरी बात सुनियो, अच्छी लगे तो थोड़ी सी तालीन ते स्वागत करियो, नहीं लगे तो भले ही ते गारीन ते करियो, रिश्तेदारी को मामलो कोई बात ना है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, देश दुखी परदेश दुखी हर वेश दुखी होके, बैयरवानी आदमी छोटे छोटे बड़े बड़े बाबा जी गृहस्थी, अरे सबन को खेल बिगड़े गो तुमने पतो ना है। फिर आएगो कोई टेम, देश दुखी परदेश दुखी हर वेश दुखी होके, और रहा ना कोई रहा ना कोई शेष, कह रही जनता रो रो के, का कह रही साल गयो 2020 है, साल गयो 2020 है, बजाए गयो सबकी घंटी है, साल गयो 2020
कोई बात ना है। हवालदार जी को हमने बहुत विदा दिया, आज दे दगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। ये 1 रुपए का पावन सा पुरस्कार हवालदार के चौधरी साहब दे रहे हैं, या बड़का में हवालदार कोई काम कर रहा है बस 51 रुपये दे रहे बने सिंह चाचा जी दुधेरी बारे, और 1 रुपए जखन दूधिया जी दे रहे 50 रुपए मेहा गारमेंट, और 50 रुपया मुरली खोददार, और 51 रुपया बेदा हवालदार जी दे रहे हैं साहब लखन जी नातेदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अरे कोई दुखी भयो कोरोना ते कहूं पैसा की तंगी है, बर्बादी की चाल चीनने खूब चली बेढंगी है, क्या दुख दिखाए चाइना ने फौजी मरवाए चाइना ने, और विश्व किया बर्बाद पिसेले दीजिए बोबो के, रहो ना कोई रहो ना कोई रहो ना कोई, शेष कह रही जनता रो रो के, साल गयो 2020 है बजाए गयो सबकी घंटी है, साल गयो 2020 देखो जैसे आज तुम्हारी समाज जर रही है ना, ऐसे एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, उस सभा में देशवाल जी बलशाली रावण पहुंच जाता है और जाकर के ब्रह्मा जी से कहता है, प्रभु आपने संसार में सबके काल बताए पर मोकू मेरो काल आपने आज तक नहीं बतायो। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए धर्मवीर जी और बोले बलशाली रावण से, अवध भूप के महल में आए के जन्मे राम और कुटुंब सहित रावण तेरो मेटिंगे जगत ते नाम, कौशल्या नारी मिले कल शादी रचाई जाएगी, और सोने की लंका रावण तेरी खाक में मिला दी जाएगी। हसेगो रावण ब्रह्मा जी की तरफ इशारा करके कह रहा है, क्या हा हा करके हंसने लगा, हा हा करके हंसने लगा, क्या मारेगी मुझको माछरी, अरे वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। मोते बलशाली रावण के प्रभु कहां पहुंच गया, कौशलपुर में महाराज रोमपाद के यहां दशरथ जी कौशल्या बरात लेके आ रहे, बलशाली रावण ने गौरी मैया के मंदिर से कौशल्या का हरण कर लिया और सरयू नदी के किनारे लेकर आ गया दादाजी। अब वो बलशाली रावण सोच रहा है, चार साहब क्या सोच रहा है भैया जी, क्या सोच रहा है,
कोई बिन मारे और मर जाए तो काम बन जाए। हाँ 50 पहले 50, अब तुमने ना भूलू, तुम तो सदा ही बहुत रुपया देते। सुनिए, अरे क्या निशाना चूक एक संदूक को मंगा नहीं पल में। 51 रुपए छोटा सा बच्चा दे रहा है लाली है गरिमा चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल्या आएगे अभी तक कैसे आएगे, गलती थे तो मैं आगे कहूं है भैया, बहुत बढ़िया। लाली को एक बार स्वागत कर दे, जोरदार तालीम थे, बहुत दूर से आई है। 51 रुपया संतोष सेन दे रहे और 200 रुपया 101 रुपए स्वर्गीय समंदर डीलर के भतीजे इनाम दे रहे साहब रेट आवारी। अरे गया निशाना चूक एक संदूक को मंगा नहीं पल में, और याने कौशल्या बेकार के बहाए दही जल में। 4 लाइन याद आ रही है भजन के संग में, तुम कह तो कह दूं, ऊपर को हाथ करके बता, बड़े बूढ़े को आदेश हो तो कहूं, कह दूं। अरे पेड़ पेड़ पे कलियुग टोले, पेड़ पेड़ पे कलियुग टोले, सतयुग पाम धरे कैसे, और जाको बेटा को बेटा दारू बाज बनो बापा पक्की पारा। सही है गलत है, और जो आसाराम का आसाराम का आसाराम का चेला है, जो आसाराम का चेला है और वो राम से प्यार करे कैसे। और मैया तुम्हारे मतलब की सी बात है, नेक सी ताली बजाइयो अगर सही लगे तो, है ना। जो आसाराम को चेला है और वो राम से प्यार करे कैसे, जहां राज बहू को चल रहे है वहां सास पिदार करे कैसे, राज बहू को चल रहे है वहां सास पिदार करे कैसे।
काली रावण ने सोचा जो मैं हत्या करूं नार की। क्या सोचा बलशाली रावण ने? जो मैं हत्या करूं नार की, दोषी बनूं जमाने का, काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। ले संदूक असुर ने आमे, ले संदूक असुर ने आमे, कौशल्या बैठाई और बाबा या ने जल के बीच कौशल्या को बहा दिया। उधर में कौशलपुर में महाराज रोमपाद को जब ये पता चला कि उनकी बेटी कौशल्या का हरण हो गया, बारात दरवाजे पे खड़ी है, महाराज रोमपाद रोने लगे, अपनी रानी को पास में बुला लिया और देखो चौक आया रोजगड़ी को चौक। क्या होने लगा चौक में भैया जी? इक्यावन रुपए मुकेश सरपंच साहब सीही वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाड़े रो रहे कि अब हमारी लाज को बचा भी बारो, हमें कोई दीख ना रहो। सुनिए ढोला, गौर से सुनना, दिल और दिमाग के एकाग्र करके आपकी अंतरात्मा अंतस्थ कोर से आवाज आएगी कि वास्तव में जिकड़ी का ढोला है। सुनिए साहब, thank you।
सिंह डीलर के भतीजे जी 100 रुपए फिर से दे रहे हो। अब क्या कह रहे हैं महाराज रोमपाद रानी, अरे हो अब हो अब शादी कैसे, अब शादी कैसे होगी, शादी कैसे, शादी कैसे रे। और ढोला का उतार होए अब शादी कैसे, होए अब शादी कैसे, और परना तूला परना तो खड़ो है मेरे द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 सेकंड रह गई है खाते में मात्र, और चलते चलते चाहे गानों समझ लियो चाहे सारों समझ लियो, 2 लाइन की गजल है। और गजल क्या है, गैरों से किला क्या करे, जब अपने बदल गए कैरों से गिला क्या करे, जब अपने बदल गए कैरों से गिला। 51 रुपए संतोष सेन रेटा निवासी दे रहे, चेहरे बदल गए कैरों से गिला क्या करे, जब अपने बदल गए। और मैं भी वही हूं और मेरी चाहत भी है वही, क्या मैं भी वही हूं और मेरी चाहत भी है वही, लेकिन तुम्हारी नजरों के, लेकिन तुम्हारी नजरों के सारे बदल गए, कैरों से गिला क्या करे, जब अपने जाला में भैया भैया। अरे ले जब ते भूल गया भाई बा चार बा, जब ते भूल गयो अब मोए होश भयो हो, ले जब ते भूल गयो अब मोए होश भयो हो, मेरी राम राम ले लियो हो, जब गुरु मेरे